नमस्कार बच्चों, आशा है आप लोग घर पर स्वस्थ होंगे। आइए आज हम लोग व्याकरण की जानकारी लेते हैं। व्याकरण में आज क्या पढ़ेंगे? पाठ दो, वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण भाषा की लिखित या मौखिक छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और अधिक खंड न हो सके वर्ण कहलाती है, जैसे क, ख, ग इत्यादि। वर्णमाला, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। आइए देखते हैं, वर्णों को तीन भागों में बांटा गया है, स्वर, व्यंजन, अयोगवा। अब स्वर किसे कहते हैं, इसे देखते हैं। स्वर वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती स्वर कहलाता है, जैसे अ, आ, ई, बड़ी इत्यादि। आइए अब देखते हैं कि व्यंजन किसे कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। अब अयोगवा किसे कहते हैं, देखते हैं कि इन ध्वनियों को बोलने के लिए अन्य ध्वनि की सहायता लेनी पड़ती है। हिंदी में तीन अयोगवा हैं। अं, इसे अनुस्वार कहते हैं, इसका उच्चारण नाक से होता है, बिंदी इसका चिन्ह होता है। अंग, इसे अनुनासिक कहते हैं, इसका उच्चारण नाक व गले दोनों से किया जाता है। चंद्र बिंदु इसका चिन्ह होता है। अह, इसे विसर्ग कहते हैं, इसका प्रयोग व्यंजन के बाद किया जाता है, इसका उच्चारण ह की तरह होता है, विसर्ग इसका चिन्ह है। अब आइए देखते हैं संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं। श, त्र, य और श्र संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, क्योंकि ये दो दो व्यंजनों के मेल से बने होते हैं। आधा क, धन श, क्ष, जैसे कक्षा। आधा त, धन र, त्र, त्रिशूल। आधा ज, धन य, क्य, ज्ञानी। आधा श, धन र, श्र, श्रमिक। मात्राएं, व्यंजन के साथ स्वर का जो रूप या चिन्ह लगता है वह मात्रा कहलाता है। तो आज बच्चों हमने क्या सीखा? वर्ण किसे कहते हैं, वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है, जैसे स्वर, व्यंजन, अयोगवा, संयुक्त व्यंजन, मात्राएं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद बच्चों।